हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आपको वैसे तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैंने जो है दराज से कुछ शॉपिंग की है। मैंने सोचा था अब मैं जो भी शॉपिंग करती रहूँगी दराज से, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिव्यूज़ मुझे उससे आते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पार्सल के सारे शॉपर्स जो है ना यार, मैंने इसमें निकाल के रख दिए हुए थे खोल खोल कर, लेकिन मैंने सोचा चले मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने मंगाया था ये है कोई सोप जो कि बहुत इजी टू यूज़ है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये है कुछ इस तरह से, अच्छे खासे इसके अंदर पेपर्स हैं। ये क्या होता है कि ये आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप अगर बाहर जा रहे हो तो अपने बैग में ये रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कहीं पे भी, मतलब मुझे हैंड वॉश जो रेस्टोरेंट्स में या उधर उधर होते हैं, तो मुझे उससे जो इन्फेक्शन हो जाता है, हाथ की स्किन बड़ी सेंसिटिव है मेरी, तो मैंने ये बाय कर लिया। और ये इतना छोटू सा टाइनी सा है कि ये आपके बैग में बहुत ईजीली आ जाएगा। तो मैं पिक्चर्स अपलोड कर दूंगी कि ये मैंने कितने का बाय किया था। बहुत वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है, मस्ट बाय। अच्छा जी, सेकंड प्रोडक्ट है ये है मैट। आप चाहें तो इस मैट को अपनी डाइनिंग टेबल पे या फिर जो ड्रॉज होते हैं जिसमें हम लोग अपने स्पून्स और ये किचन की सारे एसेसरीज रखते हैं, स्पून्स वाली, आप उसमें लगा सकते हैं। रोल बहुत बड़ा इसका आया है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा, और इसका मटेरियल जो है ना वो कुछ ऐसा फॉर्मिक शीट जैसा मटेरियल होता है ना, ये वो वाला मटेरियल है। तो अच्छी प्रोडक्ट है, स्टक नहीं होगी। इसको आप डबल टेप जो है ना, एक डबल टेप आप इधर लगाएं, उसके बाद आप इसको किसी भी टेबल के नीचे इस तरह से पेस्ट कर दें, देन जो है ना ये आपके लिए बहुत यूजेबल चीज़ हो जाएगी। बहुत वर्थ बाइंग है। मैंने फ़र्स्ट टाइम, मतलब बहुत टाइम से सोचा था कि इसको मंगवाऊं, और फर्स्ट टाइम मैंने ये मंगवाया है। अच्छी प्रोडक्ट है, और इसका भी मैं जो प्राइसेज हैं उसकी भी पिक्चर जो है वो मैं आपको लगाती भी जाऊँगी साथ साथ में। थर्ड जो मैंने मंगाया था ना, ये था मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ जो कि थी ये शीट। ये शीट रखती है फ्रिज में, ठीक है। जैसे हम फ्रिज में कोई भी शॉपर में कोई गोश्त डालकर रख देते हैं और वो शॉपर चिपक जाता है, उससे बचने के लिए आती है ये शीट, ठीक है। इस शीट के कितने प्राइस हैं ये सब मैं आपको पिक्चर लगा दूंगी, लेकिन ये जो दानेदार शीट है ना, ये इस तरह से दानेदार है, मतलब अब ये चिपक जाएगी अंदर जाके तो ये इधर उधर से मूव नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये अभी भी मूव नहीं हो रही है, तो ये इस पर आप कुछ रखोगे ना प्लास्टिक वगैरह तो ये चिपकेगा नहीं फ्रिज के ऊपर। एक दफ़ा की बाय करने की चीज़ है, और ये बहुत ज़बरदस्त काम करके दिखाएगी आपको, और अच्छी चीज़ लगी मुझे। और ये कुछ इस तरह से थी, इसके स्क्वायर फिट्स मैं भूल गई, मैं पिक्चर लगा दूंगी आप उसमें देख लीजिएगा। एक ही शीट आई थी, अपने हिसाब से ये कटिंग होगी। जब मैं ये प्रॉपर लगा लूँगी ना तो फिर मैं आपको एक छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर डाल दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट में एक रहती है रिमेनिंग, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वेट कीजिए जी। ये एक रहती थी मेरे पास, ये बास्केट है जो कि फ्रिज में बहुत यूज़फुल है, स्टोरेज बास्केट है ये, और वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, मस्ट बाय। सब चीज़ें फर्स्ट क्लास हैं। जो इसमें वर्स्ट तरीन चीज़ थी वो थी इनके राइडर का बिहेवियर, जो कि बिल्कुल बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। ही सेड कि पहले आप मुझे पैसे दो, मैं आपका पार्सल तब दूंगा, जबकि बोला भी गया था कि आप पार्सल मुझे दे दें, मैं ओपन नहीं करूंगी और मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ। बट उन्होंने पार्सल को हाथ तक नहीं लगाने दिया। सबसे ज़्यादा जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है दराज के, और ये फर्स्ट टाइम नहीं, मेरे साथ मल्टीपल टाइम हुआ है कि दराज के जो राइडर्स हैं उन्होंने बहुत मिसबिहेव करते हैं जब वो पार्सल लेकर आ जाते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी है, इट्स मीन के पार्सल जो है आपको रिसीव होकर कैश दे दिया जाएगा। अगर आप हिस्ट्री के बिहाफ पर ही अगर किसी क्लाइंट को अपनी चीज़ें देते हैं, तो राइडर्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। राइडर्स बहुत बदतमीज़ होते हैं, कुछ राइडर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेजॉरिटी इनके राइडर्स का मिसबिहेव मुझे सख्त नापसंद है। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।